आप सभी लोगों का नॉलेज सर्कल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो इसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है परासरण। इसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जो पादप के जो मूल रोम होते हैं वो जल को किस प्रकार एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिसको हिंदी में परासरण कहते हैं। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। किस गैस का यूज़ किया जाता है इसके लिए? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है, यानी कि टीबी जो बीमारी होती है, ये कौन से किस चीज़ के कारण यह इन्फेक्शन होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा। एक तरह का ये बैक्टीरिया है। ओके, सो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ना कि वायरल। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला गया यह प्रश्न है। और इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। पांच जो है एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, 1024 बाइट कितने के कितना होता है? ये लगभग 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ये एक क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। अत्यंत दिशिक, जिसको कोहेरेंट कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं लेज़र। इसको क्या कहा जाता है? लेज़र। चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर है, ऑर्निथोलॉजी में हम चिड़ियों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, कि बर्ड्स के बारे में और उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानकारी दी जाती है। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? ये जो फॉर्मूला है CH3OH, ये किस रसायन का है, किस केमिकल का है? तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है वो मिथाइल अल्कोहल का है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? हिंदी में कहें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफोरोल, कैल्सीफेरोल। इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल। केमिकली अगर आपको विटामिन डी को बोलना है तो आप बोलेंगे कैल्सीफेरोल। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर विटामिन B5 की डिफिशियंसी है बॉडी में तो कौन सा बीमारी हो जाता है? इसको बोलते हैं पैलाग्रा। पैलाग्रा वो बीमारी है जो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 11। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, इंडियन केमिकल लेबोरेटरी, कहाँ पर स्थित है? यह है आपका महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 12। रात्रि दृष्टि उपकरण, जिसे इंग्लिश में नाइट विजन अपराटस भी कहते हैं, में किन रंगों का उपयोग, किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, किस तरह के वेव्स का यूज़ किया जाता है? तो इंफ्रा रेड का वेव किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंफ्रा रेड क्या करता है। ये वेव बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है या आपको कोई चीज़ रात में बनाना है, तो ये आपको लाइट, बिना लाइट के, बिना रोशनी के भी आप इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नाइट विजन के लिए यूज़ किया जाता है। कम रोशनी में भी अच्छे क्वालिटी का वीडियो बन सकता है इंफ्रारेड। इससे इंफ्रारेड कैमरे भी आते हैं,
डिस्कवरी चैनल पे जो भी आप वीडियो देखते हैं जो रात में बनाया जाता है, उसमें इंफ्रारेड से बने हुए कैमरे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड में ये एक तरह का ऐसा तरंग होता है जो नाइट विजन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? बार, बार यह रिप्रेजेंट करता है वायुमंडलीय दाब को, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यह दर्शाता है। भारी जल, जिसको हम लोग हैवी वाटर भी कहते हैं, इसका अणु भार कितना होता है? D2O। भारी जल का फॉर्मूला क्या है? D2O। तो इसका अणु भार होता है 20, 20। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। अगर एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कितना होगा? तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कितना होगा? गिरते हुए व्यक्ति का भार 0 होगा। प्रश्न संख्या 16। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो अपना रिवोल्यूशन कर रहा है, वो रिवोल्यूशन की स्पीड कितनी है? वो है लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। प्रश्न संख्या 17। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है, तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा 1.2 × 10 kHz। ये होगा उस प्रसारण की फ्रिक्वेंसी। सेल का वी वा ब ईएमएफ निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है, क्या ये फाइंड आउट करता है, ये फाइंड आउट करता है, ये निरूपित करता है, ये बताता है कि कार्य को दर्शाता है, एनर्जी को, वर्क और एनर्जी को डिस्प्ले करता है, बताता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कंप्यूटर में डॉस क्या होता है? एक्चुअली डॉस एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो टेक्स्ट बेस्ड होता है, इसमें जीयूआई ग्राफिक्स का रोल नहीं होता है, तो इसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के सभी लेटेस्ट वर्जनों में भी आप डॉस का यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट हो है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी तरह से सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। बोलेंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किस तरह की पढ़ाई से है, किस तरह के अध्ययन से है? इसका अध्ययन है झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी बिलोंग करता है झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है कवक से। कवक से इसको बनाया जाता है, इस पेनिसिलिन को। टैक्रोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो टैक्रोमा जो बीमारी होती है वो आँखों से संबंधित होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज एंडरसन ने की थी सन 1932 में। कब किया था? सन 1932 में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।